हेलो एवरीबॉडी दोस्तों, एक और बड़ी खबर आपके लिए आई है। एक और बड़ी पुलिस की भर्ती अगले महीने में यानी कि सितंबर के महीने में भर्ती आएगी और यूपी पुलिस में भर्ती होगी। हरियाणा वाले कैंडिडेट भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पूरी डिटेल जानने के लिए कि कैसे क्या कुछ होने वाला है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, आप सभी ने कितनी तैयारी अपनी कर ली है इस चीज़ को चेक करने के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, KTTT कोविज 31,000। और यदि आप इसमें पार्टिसिपेट करते हो तो आप साथ में अपना लेवल भी जान पाएंगे और साथ में ही आप इनाम भी जीत सकते हैं 31,000 रुपये। 1 सितंबर को यह प्रतियोगिता हिसार में होने जा रही है ऑफलाइन तरीके से। यदि आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको प्ले स्टोर से या वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक से धुरीना ऐप को डाउनलोड करना होगा और वहाँ से इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसी दिन आपको इनाम दिया जाएगा, उसी दिन आपका रिजल्ट निकाला जाएगा। इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं धुरीना ऐप और को स्पॉन्सर हैं इसके गैलेक्सी एक्सिस कोचिंग पॉइंट और KC एकेडमी हिसार। इसमें किसी भी स्टेट का कैंडिडेट भाग ले सकता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं पुलिस की भर्ती की कि किस पद पर यह भर्ती आएगी और कहां पर आएगी, कैसे आएगी, कितनी हाइट मांगी जाएगी, कितनी एज रहेगी। दोस्तों, सबसे पहले बताना चाहूँगा ये एक गुड न्यूज़ है तो आप अभी के अभी इसको लाइक ज़रूर कर दें। तो यहाँ पर देखिए, अमर उजाला न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई है उप निरीक्षक भर्ती 2019। तो दोस्तों, सब इंस्पेक्टर की यह भर्ती है, अगले महीने जारी होगी विज्ञापन, नवंबर में परीक्षा, फरवरी में दौड़। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, 5,000 से अधिक पदों के लिए होगी भर्ती। यहाँ पे आप इन न्यूज़पेपर में देख सकते हैं उप निरीक्षक बनने के लिए भर्ती का इंतजार कर रहे नौजवानों के लिए खुशखबरी है। भर्ती बोर्ड पुलिस उप निरीक्षक के 5,000 से अधिक पदों के लिए अगले महीने भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। सितंबर के अंत में भर्ती का विज्ञापन निकलेगा, नवंबर के अंत में ये या दिसंबर के शुरुआत में लिखित परीक्षा करवाई जाएगी और अगले वर्ष 2020 के फरवरी माह में दौड़ कराने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश में भर्ती आएगी दोस्तों और इसके लिए अप्लाई कोई भी कर सकता है, ठीक है। यहाँ न्यूज़पेपर में न्यूज़ प्रकाशित की गई है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसमें एज वगैरह, हाइट वगैरह क्या क्या रहेगी और हरियाणा वाले कैसे इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं सरकारीexam.com पर ये वेबसाइट है जो अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके लिए देती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर के 5,000 पदों की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रखी है और 400 रुपये फीस लगती है दोस्तों इसकी। जॉब लोकेशन उत्तर प्रदेश रहेगा लेकिन अप्लाई कोई भी कर सकता है, हरियाणा वाला भी और बिहार वाला भी और पंजाब वाला भी। मिनिमम क्या मांगा गया है, एज में 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 28 साल होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो आपकी जो एज का क्राइटेरिया है हरियाणा वाले को यही रहेगा और जो यूपी वाले हैं उनको अलग से छूट दी जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे वेतन आप देख सकते हैं 27,900 से लेके आप ऊपर बहुत अच्छा से पे स्केल दिया गया है। ग्रेजुएशन बेस पे भर्ती होने जा रही दोस्तों। हाइट 170 सेंटीमीटर मांगी गई है जनरल कैटेगरी के लिए, 168 सेंटीमीटर रिवाइज रिजर्व कैटेगरी के लिए, ठीक है। और चेस्ट 83 से 87 सेंटीमीटर जनरल कैटेगरी और 81 से 85 सेंटीमीटर रिजर्व कैटेगरी, ठीक है दोस्तों। और 2.5 किलोमीटर की रेस है 12 मिनट में। और फीमेल की भी भर्ती आएगी दोस्तों, ये खास बात है इसमें, 1 किलोमीटर की रेस है 6 मिनट में, ठीक है। तो आप इसकी अन्य जानकारी के लिए ऑफिशियल साइट को विजिट करते रहिए और अगले महीने में आपका ये नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ये वीडियो अपन यहाँ तक देखी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों बताना चाहूँगा आप इस भर्ती में, इस प्रतियोगिता में हिस्सा ज़रूर लें क्योंकि आपको अपना लेवल जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आप में कितना दम है तो आप उसमें, यदि आप में कमी है तो आपको अपनी कमियाँ पता चलेगी और आप उस कमी को दूर कर पाओगे एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। तो इसलिए आपके लिए प्रतियोगिता ज़रूरी है और इसमें पार्टिसिपेट करना आपका बहुत ज़रूरी है। 1 सितंबर को यह प्रतियोगिता होगी। रजिस्ट्रेशन के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है धुरीना ऐप का, धुरीना ऐप से इसके लिए रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों, जल्द से जल्द अभी के अभी रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। सेम डे में आपको इनाम दिया जाएगा, सेम डे में 1 सितंबर को प्रतियोगिता, 1 सितंबर को ही रिजल्ट, 1 सितंबर को ही आपको इनाम दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।